हेलो एवरीवन। तो कोक स्टूडियो का सेकंड सॉन्ग सीजन 15 का 2 AM, आई थिंक ये पाकिस्तान के 2 बजे का कतर ड्रॉप हुआ है। 2 AM को इतनी अटेंशन टू डिटेल दी जा रही है सीजन में। फर्स्ट सॉन्ग वाज अ बैंगर, सिंधी को कल्चर को ट्रिब्यूट, व्हाट अ ग्रेट सॉन्ग। तो लेट्स सी इसमें क्या आया है। हर सॉन्ग कोक स्टूडियो का एक अलग इम्पैक्ट लाता है। लेट्स सी। Cook Studio, Season 15. सॉन्ग नाइट मोड रखा हुआ है। हर चीज़ धोखा हर पासे दिला विच चोर रख देने बुलियां ते झूठे हासे। अगर पहली लाइन ही सॉन्ग की ऐसी है, धोखा हर पासे दिलाएं ते चोर बुलियां ते हासे, मतलब पहली लाइन ही जो है एक रियलिटी चेक फेंक रही है, तो आगे क्या होने वाला है। इससे सीजन 14 का वो गाना याद आ गया है, दुनिया जो, वो भी एक इम्पैक्टफुल और पॉजिटिव एक मैसेज देने वाला था। वैसे ये क्या है, ये एक वही बात है यार, कोक स्टूडियो एक चीज़ लाता है, इट्स अ ग्रेट थिंग के गाने के जरिए ही आप अगर कुछ चीज़ें नी माइंड चेंज कर रही हैं आपकी कम्युनिटी का, तो गाना एक चीज़ है जो सबको यूनाइट करता है, चेंज कर सकता है। वैसे दिला विच चोर रख देने बुलियां ते झूठे हासे। हाय धोखा हर पासे दिला विच चोर रख देने बुलियां ते झूठे हासे। मैं आर्टिस्ट पढ़ना भूल गया था, स्टारशाह एक्सिशान अली, अगर इनके बारे में किसी को मोर पता है तो आप बता सकते हैं। अगर आर्टिस्ट के बाद आई थिंक स्टारशाह अभी सुनते हैं, अ ग्रेट स्टार, बहुत प्यारा, मतलब कैची वॉइस थी। लेट्स गो। नफरती कोई एक्सपायरी होनी चाहिए, सचिया मुहब्बतां दी कोई डायरी होनी चाहिए। मुजस्मे बना के खड़े करो लैला मजनू दे पूरे शहर च, सचे आशकां दी याद विच शायरी होनी चाहिए। रूहां वाले प्यार जड़े कर दे सी लो, जिस मत पर सिर तते मर दे सी लो। यारा चले गए ने ओ दीवाने, बुझ गए सारे ओ परवाने, बन गया चाइल्स पे प्यार एक जो। क्या डीप लाइन बोल गया, क्या बात कर गया के सीरत नाल जो प्यार करते सन, जिसमें तो उत्ता रख, मतलब जिसमें से ऊपर रखते थे, पहले सीरत देखते थे, वो खत्म हो गया, अब तो जिसम बिकता है। एक लिहाज से वो बात करना चाह रहा कि अब क्या हो गया, पहले क्या था। वैसे जो भी ये देख रहा भाई, सीरत सीरत की पर ही जाया करो, हुसन तो धोखा ही दे जाती है, हुसन धोखा दे जाती है। ज़हन क्यों रखा ना मैं गल करा स्ट्रेट, प्यार ते रह गया है बस गिव एंड टेक। दिल प्यार चढ़ा गया सिर्फ गिव एंड टेक, मतलब अब प्यार भी तोल के दिया जाता है। हकीकत है भाई, हकीकत है, किसने मेरे लिए इतना किया, मैं भी इसके लिए इतना करूंगा। सिंपल थिंग इसके भाई, जो मुसलमान लोग हैं, आपका इस्लाम हमारा वही सिखाता है सबसे बड़ी चीज़, सिर्फ ये नहीं है कि दीन फॉलो कर दिया, बस जो मेन मकसद इस्लाम का, बस सेक्रीफाइस करना सीखना। अगर आप कसर लगाना सीख लोगे अपने आप को, तो काफ़ी कुछ बेहतर हो जाएगा। तो वही बात है, कसर लगाना सीखो। सौदेबाजी बन गया खे बन पीछे से गया चाइल्ड्स पे प्यार एक जोक। ज़हन क्यों रखा ना मैं गल करा स्ट्रेट, प्यार ते रह गया है बस गिव एंड टेक। दिला दी सौदेबाजी बन गया खे, इत्ते शक्लां ने सोनिया पर दिल सारे फेक। आदत पै गई पैसे खान दी, टके दी ना रही कीमत जान दी। इस दुनिया ते किवें मैं यकीन करा, घूमदा शैतान पाके खल इंसान दी। भाई, ये क्यों रात के 2 बजे ये गाना फेंक दिया कोक स्टूडियो ने, रियलिटी चेक्स मार, क्या हुआ, और डिप्रेशन में और सोचते रहे क्या किया है, ये रात खराब कर दिया, बार बार सोचते रहेंगे। ओए, ओए, स्टार, क्या बात है, क्या बात है। मैं ये दो लाइन दोबारा सुनिए,
अच्छा लगा। आदत पै गई पैसे खान दी, टके दी ना रही कीमत जान दी, इस दुनिया ते कीवे मैं यकीन करा, घूमदा शैतान पाके खल इंसान दी। स्टार शा, हाउ डिड यू नो धोखा हर पासे, दिला विच चोर रख देने बुलियां ते झूठे हासे, हाय धोखा हर पासे, दिला विच चोर रख देने बुलियां ते झूठे हासे। व्हाट अ ग्रेट शॉट। ये आपने अगर देखा हो कि पहले अलग अलग प्रोफेशंस दिखाएंगे और पीछे वही बात चली है, धोखा हर पास से, कि मतलब इस लिहाज से जो मैं इंटरप्रेट कर सकते हैं वो ये है कि धोखा का हर बंदा खाता है ज़िंदगी में, बस एक चाल रही है चलते हुए वाला हिसाब है। तो मतलब हाय धोखा हर पासे, ऑफिस गया अभी दिला विच चोर रख देने बुलिया ते झूठे। तो काफ़ी कुछ जा सकता है कि रब पे भी यकीन रखो, उस पर एक जस्ट मूव ऑन वो भी हो सकता है एक लिहाज से, लेकिन जो अगर बाहर के लिहाज से फोकस करें, जो उसके लिरिक्स उसके लिहाज से फोकस करें, तो धोखा सबको खा रहे हैं लेकिन बस चल रहा है। निशान अली आए, अगर इसके आपको बोल पसंद आए हैं स्टारशाह के, दे द सॉन्ग मैंने जो सुना हुआ है खबर मलिक था फानी, मेरे ख्याल से वो सिर्फ यूट्यूब पे मिलेगा। उसके अंदर कुछ लाइंस ऐसी हैं, ये दुनिया तो है फानी, सबकी है अपनी कहानी, मतलब यहाँ पे सिर्फ लफ्ज़ों की हेरा फेरी, एक ना दिन मौत भी आनी है। तो इस तरह करके मैंने थोड़ा मिक्सअप किया, लेकिन वो भी एक सॉन्ग किस तरह रियलिटी चेक से फेंकता है। अ ग्रेट थिंग यार, काफ़ी अच्छा पार्ट था। लस्सी निशान अली से भाई ने क्या सुरूर खींचा, तीसरी हो गई है, चिकी पाको हो गया काम है थे पाजी, बम्बू हो गया बम्बू। ये नहीं रात, ये रात और 2 घंटे लागने पे आगे लेट हो पड़े हैं, ये तो और काम, ये तो और मोहब्बत की हुंदी है, चले जी नू जी हुंदी है, और मोहब्बत की हुंदी है, हर एक दिल दी प्रेम कहानी यारो सच्ची ही हुंदी है, और मोहब्बत की हुंदी है, यार सजन हुण मैं की दसा आखर उल्फत की हुंदी है, और मोहब्बत की हुंदी, पहले पहले दुनिया दे विच जदों आया इंसान सी, ते प्यार तो अलावा ओदे कोल कोई होर ना समान सी, ते सच्चे आशकां दे वास्ते ही रब ने बनाया जहान सी, बड़ा आशकां दा नाम सी, बड़ा आशकां दा नाम सी, झूठे लोग झूठे। अगर रिजेम्बलेंस दिखाई जाए, इस पे 3 शॉट्स दिखाए गए हैं। एन ओल्ड लेडी विद अ कैट, एक प्यार की ये भी कहानी है, आजकल पहले भी होता था। दे वास्ते ही रब ने बनाया एन ओल्ड कपल, जहान सी, बड़ा आशका दा ना सी, बड़ा और एक माँ। प्यार का मतलब उसने जब वर्ड बोला, 3 दिखाए गए, यही रिश्ते थे जो प्यार के थे, माँ बाप से बड़ा प्यार था। पहन सके पहन पर तो खे दिए जान गए, माँ बाप नहीं गा ना इसे ने बनाया जहान सी, कुछ और भी मुझे बड़ा मेरे को आशका कुछ दा अगर ना आपको सी, जैसा लगे तो आप बड़ा आशका दा क्या ना कर सी, देता हूँ वीडियो डायरेक्शन। झूठे लोग झूठे ला रहे ने, जिदा ता लगे ला रहे ने, झूठे वादे झूठे ला रहे ने, जिहड़ा दाल लगे ला रहे ने। वाकई भाई हकीकत तो ये है कि शरीफ थे जिन्हें मौका नहीं लभ्या। झूठे लोग झूठे ला रहे ने, जिदा ता लगे ला रहे ने, वादे कर किसे होर देना और किसे ना निभा रहे ने, बेकदरा ना ला बैठी ताइयो आज ओ सता रहे ने, जो दुनिया ते तुम्हें आसी ना मिट्टी च मिला रहे ने। अच्छा, ये सिर्फ सॉन्ग उस लिहाज से एक सोसाइटी रियलिटी चेक नहीं, थोड़ा बहुत
कपल्स को भी फेंकेगा लेसन, और ये सिर्फ उसके लिए नहीं, जो सिर्फ पीछे बात थी जो पैसे खा रहे ने, पैसे आती लागी आदत, मतलब सबको एक संग रिलेट है, सबके लिए बात वो कर रहा है कि भाई देखो हो क्या गया। जो दुनिया ते तुम्हें हंसी ना मिट च मिला रे, दस की दुनिया दारी शे यार मोहब्बत सारी शे, चाहत वाले मर नहीं सकते चाहत ऐसी प्यारी शे, यार तो सदके यार तुम्हारी कायम दायम इश्क खुमारी, जिथे यार दी गल आ जावे उथे दुनिया की हुंदी है और मोहब्बत की हुंदी है, चले जीनू जी हुंदी है और मोहब्बत की हुंदी है, यार सजन हुन मैं की दसा आखर उल्फत की हुंदी है और मोहब्बत की हुंदी है। जो जो मुझे अभी तक इस लिहाज से जब आमने सामने खड़े होकर उन्होंने ये वर्ड्स एक्सचेंज किए जो समझ आई है वो ये है कि वो स्टार शाह प्रेजेंट को एक सिंगल एक्सप्लेन कर रहा है कि अब सोसाइटी का क्या हाल हो गया, और वो जो शान अली में क्वेश्चन कर रहा है और एक मसाले दे रहा है कि ऐसे होता था भाई, ऐसे होता था, ये था जिंदगी का जीने का तरीका, अब क्या हो गया, वो क्वेश्चन कर रहा है आपसे, एक सवाल एक ऑडियंस को एक मुख लेके कह रहा है, और वो स्टार शाह बता रहा है कि भैया अब तो ऐसा हो गया। दोनों क्या यार क्या चीज बना दी है, मतलब विदाउट जिशान अली, मतलब अगर बोले सिर्फ स्टार शाह अपना वर्स बोल जाता पहले तो हमें सॉन्ग कंप्लीट लग रहा था, लेकिन नहीं, अगर जिशान अली ना बोलता तो मुझे लग ओ फुल पैक हो गया, बम्बू हो गया काम यार। और मोहब्बत की हुंदी है तो हर पासे दिला विच चो रख देने बुलियां ते झूठे हासे, हाय तो हर पासे दिला विच चो रख देने बुलियां ते झूठे हासे, इस चीज़ को देख के ये रियलाइज़ होता है, दोबारा शायद मैं कह रहा हूँ, मैं पहले बोल बैठा हूँ कि पाकिस्तान कोक स्टूडियो ये रियलाइज़ आपको कराता है कि पाकिस्तान कितना अंडररेटेड है, अगर इन आर्टिस्ट के बारे में किसी को पता क्या बैकग्राउंड है क्या हिसाब है ज़रूर कमेंट कीजिए। बाकी आई वुड लाइक के कमेंट में कि आप अपनी चेंज शुरू कर सकते हैं, इससे आपको क्या लेसन मिला, आप क्या किस लिहाज से इंटरप्रेट कर सकते हैं, आप एक चेंज शुरू, एक मैसेज आप किसी और के लिए छोड़ना चाहो कि किसी और के लिए वेलबींग हो जाए तो आप कर सकते हो। मैं भी अपना कमेंट करूँ, लेकिन पाने वाले आप ही हैं। सैटरडे इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन काफ़ी मतलब ज़्यादा वो नहीं थे, जिस तरह आईआई में काफ़ी अलग अलग चीज़ें दिखाई गई वो नहीं था सिंपल, लेकिन तीन चार जो एक डायरेक्शन चली वो माओ वाला और सिंपल एंड एवरीथिंग, कोक स्टूडियो जो भी लाता है बम्बू लाता है यार, क्या चीज़ लाया, रात को ले आया, लेकिन क्या बोल सकते हैं आप, वही चीज़ है ना, अल्फाज नहीं है भाई बस ये तो। लेकिन एक चीज़ मुझे जो लग गया, जो ये लाइन है ना जो जो हुक लाइन थी पहली, मैं एक चीज़ से कंसर्न हूँ कि इस चीज़ को सुन लो पहले, इस गाने को एक फील ले लो इससे पहले ये हर बंदे तीसरे बंदे ने अपनी रील या टिकटॉक लगाया, फिर बंदा कहता यार क्या आया तुमने उसकी उसकी फील ही मार दी है, बोला सावनाओ। और आई थिंक ये गाना एक पेड होना चाहिए था, ये गाना फ्री में नहीं सुन सक फ्री में नहीं सुनने लायक होना चाहिए था, पेड सॉन्ग। तो कोक स्टूडियो सीजन 15, अभी आई डोंट नो कितने और गाने आएंगे, आई विल ट्राई टू रिएक्ट देम टू, सो पूरी टीम को यार शॉट नाइस वन दोनों नाट, ये हर एक स्टार शाने का अपना रोल था जो बहुत प्यारा निभाया। तो बाकी आप कमेंट कीजिए आपका क्या राय है, एवरीथिंग लाइक दैट, सी यू अगेन, थैंक यू।